नमस्कार किसान भाई, और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथी, अभी सोयाबीन की वैरायटियों के चुनाव में लगे हुए हैं, उनके समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी वैरायटी का चुनाव करें या नहीं करें। लेकिन किसान साथियों, हमें पिछले 2-3 वर्षों के आंकड़ों के हिसाब से यदि किसी वैरायटी का चुनाव करें तो निश्चित रूप से हम उससे अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों में आपने भी देखा होगा कि मानसून का पैटर्न बिल्कुल बिगड़ चुका है। और इन बिगड़े हुए मानसून पैटर्न के वर्ष में भी यदि किसी वेरायटी ने अच्छा उत्पादन दिया है तो निश्चित रूप से वो वेरायटी हमारे लिए इस वर्ष भी लाभकारी हो सकती है, क्योंकि मानसून का कोई भरोसा तो है नहीं कि इस बार अच्छी भी बारिश होगी ही। इस हिसाब से यदि हम वेरायटी का चयन करेंगे तो निश्चित रूप से आगे कहीं ना कहीं हमारे लिए लाभकारी रहेगा। किसान साथियों, इस वर्ष जो 3 खास वेरायटियाँ सोयाबीन की वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड में हैं, और तीनों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तीनों के बारे में फुल डिटेल से वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, लेकिन आपको मैं शॉर्ट रूप से इस वीडियो में बता देता हूं कि वो कौन सी 3 वेराइटियाँ हैं जो इस वर्ष अच्छा उत्पादन दे सकती हैं। काफ़ी ज़्यादा डिमांड इन किस्मों की बनी हुई है। आपको यदि इन किस्मों का बीज मिल जाए तो निश्चित रूप से आप इन वेराइटियों में से किसी एक को तो लगाए ही का। तो किसान साथियों, जो सबसे पहली वेरायटी है वो है JS 2172। बहुत ही अच्छी वेरायटी मानी जा रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा ये विकसित वेरायटी है, साथ ही मध्य क्षेत्र के लिए रिकमेंडेड हैं, और विपरीत परिस्थितियों में भी इस वेरायटी ने पिछले 2 वर्षों में अच्छा उत्पादन दिया। किसान साथियों, इसके पौधों की खासियत की बात करें तो ये शाखादार पौधे होते हैं, और जो इसके पौधे की हाइट होती है वो मध्य होती है, ज़्यादा ना तो ज़्यादा पौधा बड़ा होता है और ना ही ज़्यादा छोटा रहता है, इसलिए इसकी मैकेनिकल हार्वेस्टिंग भी हो सकती है। किसान साथियों, इसका जो दाना होता है वो अत्यंत सुंदर होता है, और इस वेरायटी में आड़ा पड़ने की समस्या भी नहीं होती, फली झटकने की भी समस्या नहीं है, और इस हिसाब से देखिए तो ये वेरायटी भारी भूमियों के लिए भी एक अच्छी वेरायटी है। और पकने की अवधि की बात करें तो इसमें लगभग 94 से 95 दिन का समय लगता है। लेकिन किसान साथियों, यदि आपकी मिट्टी का प्रकार अलग प्रकार का है, या आपकी भारी भूमि है या हल्की भूमि है, तो ये अंतर है, ये 4 से 5 दिन घट बढ़ सकता है। इसकी औसत उत्पादन की क्षमता बात करें तो ये लगभग 25 क्विंटल इसका एवरेज प्रोडक्शन मिलता है। लेकिन किसान साथियों, अनुकूल परिस्थितियाँ रहती है, सही कृषि कार्यमाला हम अपनाते हैं, तो निश्चित रूप से इसका जो अधिकतम उत्पादन है वो 30 से 35 क्विंटल तक जा सकता है। सबसे बड़ी बात किसान साथियों, इसमें पीला मोजेक और चारकोल रॉट और पत्तियों पर जो बैक्टीरियल पत्तियों में येलो स्पॉट के लिए प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी खासी इस वेरायटी में देखी गई है। इस हिसाब से किसान साथियों, ये बहुत ही शानदार वेरायटी है, और इस वेरायटी आप इस वर्ष कर सकते हैं। किसान साथियों, दूसरी वेरायटी जो इस वर्ष डिमांड में है वो है RVSM 1135, जिसे राजमाता सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है, और यह भी एक बहुत ही अच्छी वेरायटी माना जा रहा है किसान साथियों इसको, क्योंकि इसने भी पिछले वर्ष 2 वर्षों में काफ़ी अच्छा उत्पादन दिया है। इसके पकने की क्षमता की बात करें तो 94 से 96 दिवस में यह पक जाती हैं, और अधिक वर्षा और देर से वर्षा तक होती रहती है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 5 से 10 दिन का समय अधिकतम है जो आपके खेत की मिट्टी के प्रकार के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है। और किसान साथियों, इसकी जो अंकुरण क्षमता है वो भी बहुत ही अच्छी है, 85 से 90% बीज इसका जर्मिनेशन हो जाता है, और इसकी जो उत्पादन क्षमता की बात करें तो यह भी 25 से 30 क्विंटल तक इसका एवरेज प्रोडक्शन है। और यदि मौसम अनुकूल है, सही कृषि कार्यमाला आपने अपनाई है, तो निश्चित रूप से इसका उत्पादन और भी अधिक लिया जा सकता है। किसान साथियों, अगली एक और वेरायटी के बारे में बात करें तो इस वेरायटी के बारे में मैंने आपको पिछले एक वीडियो में भी बताया था कि ये वेरायटी हमारे क्षेत्र में 1000 रुपये प्रति क्विंटल ज़्यादा मंडी में बिकती हैं, और दूर से ही व्यापारी इसको मंडी में सीजन पे ख़रीदने आ जाते हैं। किसान साथियों, ये वेरायटी है JS 9705, और बहुत ही शानदार वेरायटी है। किसान साथियों, पिछले कई वर्षों से मैं इसको लगाता आ रहा हूँ, 3 से 4 दानों की इसमें फलियाँ होती है, फलियाँ ऊपर से शुरू होती है, पौधे की जो हाइट है वो मध्यम होती है, जिसके कारण मैकेनिकल हार्वेस्टिंग भी बहुत अच्छी होती है, दाने इसके अत्यधिक सुंदर होते हैं और पीले रंग के होते हैं। किसान साथियों, इन 3 वेरायटियों में से यदि आप किसी एक वेरायटी का चुनाव करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए ये लाभकारी रहेगा। वैसे भी यदि आप 2 प्रकार की वेरायटियों का चुनाव कर रहे हैं, शीघ्र पकने वाली और देर से पकने वाली, तो मध्यम समय में पकने वाली इन वेरायटियों में से आप किसी एक वेरायटी का चुनाव कर सकते हैं, निश्चित रूप से इस वर्ष वो आपको अच्छा उत्पादन देकर जाएगी। किसान साथियों, आखिरी जो उत्पादन डिपेंड करता है वो उत्पादन डिपेंड करता है मौसम पर, इस वर्ष मौसम कैसा रहता है। लेकिन यदि इन वेरायटियों के बारे में बात करें तो पिछले 2 वर्षों में इन वेरायटियों ने विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा उत्पादन दिया है, काफ़ी सारे रोग रोग के लिए प्रतिरोधक क्षमता रखती हैं, फलियां चटकने की समस्या इन वेरायटियों में नहीं है,
आड़ा गिरने की समस्या नहीं है, लेकिन अधिक बीज दर न रखे किसान साथियों। और इस प्रकार से इन वेरायटियों में से किसी एक का चुनाव करके आप इस वर्ष अच्छा खासा लाभ ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ किसान साथियों कि ये जानकारी आपके लिए लाभकारी रहेगी, और इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और अन्य दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार, अपने पशुधन का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।